नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से आज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, कल हमने डिस्कशन किया था अपनी वीडियो के अंदर कि यहाँ पर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है। मार्केट में जब तक नेगेटिविटी फैली रहेगी तब तक मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, ये बात हमने डिस्कशन करी थी। साथ में ये भी कहा था कि भाई देखो, कर्नाटका इलेक्शन में काफ़ी दिनों से बातें चल रही हैं कि कनाडा के इलेक्शन में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बीजेपी हार जाएगी तो मतलब मार्केट नीचे गिर जाएगा, है ना। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब इफ़ एंड बट्स वहाँ पे पूरे मीडिया में फैले हुए हैं मार्केट के रिगार्डिंग। कर्नाटका इलेक्शन को जिस तरीके से मीडिया में परोसा गया, तो यहाँ पर एक्चुअली में आज सुबह जब मार्केट ओपन हुआ तो सबके माइंड में ना वही फियर था कि मार्केट में मतलब गिरावट आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको एक सिंपल सी बात कही थी लास्ट वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों, जब गिरेगा ना तो गिर जाएगा, फिर आपको मौका भी नहीं देगा मार्केट, और मार्केट ऐसा ही होता है। लेकिन ज़बरदस्ती और अपने माइंड को बायस रखना किस चीज़ के रिगार्डिंग, कि यहाँ पर मार्केट में किसी भी रीजन से यहाँ पे गिरावट हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, न्यूज़ 36 तरीके की फैली हुई हैं, रिसेशन की न्यूज़ आती रहती है ना, इन्फ्लेशन, रिसेशन, मतलब पता नहीं क्या क्या, मतलब ऐसी ऐसी न्यूज़ हैं कि मतलब आपको पढ़ते हुए भी डर लग जाएगा, अंदर से रूह कांप जाएगी। तो माइंड जो है ना, वो होता क्या है, माइंड जो है हमेशा बायस रहता है, ठीक है। और आपको सही पिक्चर, जो पिक्चर चल रही होती है ना इस वक्त मार्केट के अंदर, जो पिक्चर चल रही है, उस पिक्चर को आप देख ना पाए, याद रखना इस बात को, आप उस पिक्चर को ना देख पाए जो एक्चुअली में चल रही है, और आपको न्यूज़ के बेसिस के ऊपर बायस रखा जाता है ताकि ताकि आप जो करंट पिक्चर चल रही है, यानी कि जो करंट मूव चल रहा है, उसको कैप्चर ना कर पाए, इस बात को याद रखना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने डिस्कशन की थी पिछले वीक के, जो आपको पिछले वीक जो मैंने वीडियो पोस्ट की थी परसों के दिन। तो सिंपल सी बात है, परसों मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि गलती से शॉर्ट मत करना अगर आपका लेवल नहीं आता है तो, ठीक है। तो दोस्तों, लेवल तो आया ही नहीं शॉर्ट वाला, तो शॉर्ट का तो बनता ही नहीं था, ठीक है। दूसरी चीज़, लॉन्ग का जो लेवल था वो आज इंट्राडे के अंदर, ड्यूरिंग द इंट्राडे मार्केट लॉन्ग वाले लेवल के ऊपर गया। दूसरी चीज़, जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वहाँ पर सुबह मार्केट ओपन होते के साथ ही तकरीबन 350 के आसपास जब मार्केट चल रहा था, तभी आपको बताया गया था कि यहाँ पर शॉर्ट गलती से मत करना, ठीक है। तो वो मैसेज सिंपल आपको दिया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर नेगेटिविटी के अगेंस्ट में जाकर ही ट्रेड कर सकते हैं आप, तभी आपकी बात बन पाएगी मार्केट के अंदर। और अभी सेटअप भी ऐसा नहीं बना हुआ, मोमेंटम इस वक्त बुलिश है, लास्ट वीडियो में डिस्कशन करा था। तो अभी सिनारियो कुल मिलाकर कहानी ऐसी है कि रिटेल ट्रेडर्स कर्नाटका इलेक्शन के चक्कर में भर भर के बैठे हुए हैं बेयरिश पोजीशंस को, और जब तक वो अपनी बेयरिश पोजीशंस को क्लोज नहीं कर देते लॉस में, तब तक तो मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। ये डाटा पॉइंट्स की कहावत है, ये डाटा पॉइंट्स जो है वो इस वक्त कह रहे हैं, ठीक है। तो सेंटिमेंट्स को मारो गोली, न्यूज़ को मारो गोली, दूसरी बार बोल रहा हूँ लगातार, दूसरी बात के लगातार दूसरी वीडियो के अंदर आज, और जो पिक्चर सामने चल रही है, जो मोमेंटम सामने चल रहा है, उसके साथ प्ले करना सीखो, ठीक है। तो चलिए फटाफट से लेवल की बात कर लेते हैं, बात करते हैं फटाफट से निफ्टी के लेवल की। तो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है आज, वो हुई है 18,400 के आसपास, मतलब 18,400 के आसपास हुई है। अब सिंपल सी एक बात है, कल के दिन देखो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। तो एक्सपायरी फिन निफ्टी की है, उसमें बजाज फाइनेंस का और बजाज फिनसर्व का बड़ा रोल रहता है। तो अगर मैं एक बार देख ही लूँ, एक मिनट रुकिए मैं चेक कर लेता हूँ बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व का चार्ट कैसा बना हुआ है, तो आपको थोड़ा सा हेल्प होगी। देखिए, बजाज जो फाइनेंस है उसमें तो वो अभी अनडिसाइडेड कैंडल बनी हुई है, ठीक है। और क्योंकि देखिए, कल जो है, ये दोनों जो बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस है ना, ये दोनों मतलब डिसाइड करेंगे कल के मार्केट का मूव, क्योंकि इन दोनों की वेटेज है
किसके अंदर, फिन निफ्टी के अंदर, और फिन निफ्टी की है कल एक्सपायरी, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये दोनों चार्ट्स ऐसे हैं कि जो रेसिस्टेंस के आसपास हैं, डोजी बना हुआ है दोनों के अंदर, तो मेरे हिसाब से कल एक छोटी सी वीकनेस रहनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में शॉर्ट कर दो, लेकिन बजाज बंधु जो भी हैं वो ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पर कि कल के दिन, क्योंकि एक्सपायरी भी है, तो कल के दिन थोड़ी सी ऊपर के लेवल के ऊपर सावधानी बरतनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। देखिए बजाज और बंधु जो हैं वो फिन निफ्टी को ऊपर नहीं जाने देंगे मेरे हिसाब से, और फिन निफ्टी जो है ना वो निफ्टी को बहुत ऊपर नहीं जाने देगी कल के दिन, ठीक है। तो कल का दिन जो है ना वो मेरे ख्याल से 50 से 100 पॉइंट के अंदर ही खत्म हो जाएगा, कंसोलिडेशन वाला दिन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्यूसडे का दिन बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आपकी फिन निफ्टी की एक्सपायरी कैसी होगी उसके ऊपर, ठीक है। मार्केट का डाटा, मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, आपको बता देता हूँ, ओपनली बता देता हूँ, लेकिन लेकिन ये बुलिश मूव कल आ पाएगा ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे, जस्ट बिकॉज के फिन निफ्टी के एक्सपायरी की वजह से। तो कल का दिन ऐसा हो सकता है कि छोटी सी 50-60 पॉइंट के अंदर, एक छोटी सी रेंज के अंदर मार्केट चल सकता है, ठीक है। और ऑप्शंस बी के ज़्यादा हो सकते हैं कल के दिन, इस बात का भी ख्याल रखना। ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन कल बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग मत करना, ठीक है। तो ये बात ख्याल की है। और निफ्टी जो है मेरे हिसाब से नीचे 350 का लेवल, ठीक है, ऑप्शन चेन में जो दिख रहा है मुझे, मैं देख के बता भी देता हूँ आपको। तो निफ्टी जो है ना वो आपका, हाँ, 350 का लेवल नीचे, ठीक है, मतलब 330 340 के आसपास सपोर्ट है निफ्टी के अंदर अच्छा खासा, और ऊपर वही आज का जो हाई है 440 और 430 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है। मेरे हिसाब से निफ्टी कल एक इसी छोटी सी रेंज में टाइम पास करेगा, ट्रिम डीके खाएगा, और ओवर ट्रेड मत करना कल के दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और निफ्टी का यही मेरे हिसाब से व्यू रहेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी देखिए ऑल टाइम हाई बिल्कुल आज टच करके चली गई, उसके ऊपर नहीं जा पाई, आई वॉज कंसिस्टेंटली लुकिंग एट बैंक निफ्टी इन द लाइव मार्केट। सो उसमें क्या हुआ था कि मतलब एग्जैक्ट 144-151 का जो हाई था, ऑल टाइम हाई, एग्जैक्टली वही पॉइंट कैप्चर हुआ लाइव मार्केट में। तो अभी होता क्या है, देखो एक इम्पॉर्टेंट बात और है, मैं क्यों कह रहा हूँ थोड़ा सा सावधान रहने की। होता क्या है, कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक कुछ भी हो, जब वो ऑल टाइम हाई ये बिल्कुल नज़दीक जाता है ना, तो जो नीचे से जो बायर लेके आते हैं, ठीक है, नीचे से जो भी बायर उस इंडेक्स को लेकर आते हैं, तो वो ऑल टाइम हाई के आसपास में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, समझ रहे हो। तो अभी इम्पॉर्टेंट क्या है कि नई पोजीशन ना बनाई जाए बैंक निफ्टी में। नई पोजीशन बनाई जाएंगी कब बनाई जाएंगी, जब मार्केट बैंक निफ्टी का 44,000 44,200 के ऊपर वन डे की क्लोजिंग कर देगा, मेरी बात समझे। ऑल टाइम हाई के ऊपर जब हम क्लोज कर देंगे ना, तब नई पोजीशन बनाई जाएंगी। लेकिन जिस अभी नई पोजीशंस 151 के आसपास या 200 के नीचे नीचे, जब मार्केट है 44,200 के नीचे, ठीक है, जब मार्केट है बैंक निफ्टी का, तब मत बनाना लॉन्ग पोजीशंस, थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी एक साइन, जैसे कि आज दिखा था ना लास्ट में प्रॉफिट बुकिंग दिखी थी, तो वो वही सेम था बैंक निफ्टी में कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखी, निफ्टी में भी दिखी। तो यहाँ पर केवल और केवल सेफ रहेगा आप लोगों के लिए, सेफ क्या रहेगा कि 44,200 44,200 के ऊपर जब क्लोज मिल जाए वन डे का, ठीक है, तब बनाना। उससे नीचे नीचे ना मार्केट को कंसोलिडेशन में रहने देना एक दिन दो दिन, अगर होता है तो। लेवल आपको दे दिया 44,200 का, उसके ऊपर फ्रेश लॉन्ग बनेंगी बैंक निफ्टी में, जो कि डायरेक्टली 44,500 और 800 दो टारगेट के लिए जाएंगी, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है, पेशेंस के साथ काम करना, क्वांटिटी कम रखना अभी ऑल टाइम हाई के आसपास, जब क्लोजिंग दे दे 44,200 के ऊपर, तो आप क्वांटिटी अच्छी खासी रख सकते हो, लेकिन आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस कौन सा होना चाहिए, आज के क्लोजिंग का स्टॉप लॉस, आज की जो क्लोजिंग है 44,075 की, वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक
ठीक है। बैंक निफ्टी का ट्रेड समझ में आ गया, निफ्टी में क्या सिचुएशन वो समझ में आ गई। ओवरऑल 350 से लेके 450 के आसपास बीच में कहीं ना कहीं रेंज रहेगी। मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी वीक नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, परसों भी बताया था। ओवरऑल मोमेंटम जो है अच्छा है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटा सा कंसोलिडेशन हायर लेवल्स के ऊपर होना बहुत ज़रूरी है अगला अप मूव कैप्चर करने के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट समझ में आ गई बात, निफ्टी के कल का व्यू समझ में आ गया, बैंक निफ्टी का समझ में आ गया, और थोड़ा कंजर्वेटिव रहना अगर आपके लेवल्स के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करती तो। निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो अप मूव अब आने के लिए 430 या 420 430, 18,420 430 के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए, तब आपको आप तब जाके ना आपको 18,550 के ऊपर जाता हुआ मार्केट दिखेगा, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और अगर नई क्लोजिंग होती है उसके ऊपर तो आराम से आप बैठे रहो। कंसोलिडेशन भी हो सकता है, पिछले हफ्ते भी हुआ था, दोनों तरफ कैसल हिट हुए थे, तो ये हो सकता है। और 430 420 के ऊपर आप पुरुष में आओ, ठीक है, और क्लोजिंग होने देना उसके ऊपर, और पोजिशन बनाओ, लेकिन स्टॉप लॉस का रहेगा 390 का, 390 का आपका स्टॉप लॉस भी रहेगा 18,390 का। तो आपको स्टॉप लॉस दे दिया, लेवल बता दिए निफ्टी बैंक निफ्टी के, मोमेंटम बता दिया स्ट्रांग है, डाटा अभी भी स्ट्रांग है, और जितनी वीकनेस मतलब उसमें दिखाई जा रही है, क्या कहते हैं न्यूज़ में, उतना आपका माइंड बायस रहेगा ये बता दिया। तो ओवरऑल अभी तो कुछ है नहीं बताने के लिए इससे ज़्यादा, तो अभी वीडियो करते हैं क्लोज। समझ में आ गया होगा सारे पॉइंट्स, और देखते हैं कल क्या होता है, और जो भी थोड़ा बहुत डाटा जैसा भी रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।